गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करूअछि एवं मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का चरण सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूअछि। समस्त भक्तवृंद चरण से यथाजोग प्रणाम जनाऊ। आज आम मैंने श्रवण करवा भगवान नाम हूँ तो चिंतामणि। चिंतामणि अर्थ है आम जहाँ मागवा हरिनाम समस्त किस प्रदान करते किंतु आम मैंने हरिनाम तो करुचु कि तार फल कहीं मिलूनी। नियम हूँ जब भाव आम जन रोगग्रस्त जड़े भल डाक्तर पाखु गले किंतु से डाक्तर तो औषध देवे किंतु ता संगे संगे कह देख यदि पथी सांगे ये औषधटा ग्रहण करे ताले औषधटा शीघ्र शीघ्र काम कर शीघ्र शीघ्र तुम आराम प्राप्त कर। भाव भागवत से पथी सांगे महाप्रभुकर नाम हूँ तो औषध हूँ किंतु पथीटा मध्य ग्रहण करवाक हम तेणु भागवत जितने श्री परीक्षित महाराज राजत्व करुले हठात से देखले गोटे गाभी सीए क्रंदन करे बलद तर तीन टी पाद ना गोटे पाद पर ढाई सेटा जड़े राक्षस भाई लोक से भांगापी चेष्टा करुले से विष्टामूत्र विसर्जन कर दुखी होते से समय परीक्षित महाराज से तलवार बाहर कर मारियापी दौड़े से ही समय सी गोड़ तले सीए पड़े बोले तुम्हें किए बोले मुहली कली बोले ये किए बोले ये धर्म बोले तीन टा चरण कुआडे गला बोले धर्म रोचे चारि चरण चारि युग सत्य त्रेतया द्वापर कली तेणु तीन टी युग पड़ जाइए धर्म तीन टा चरण तार समाप्त हो जाए तेणु धर्म ये कली युगरे खाली गोटे चरण उपर से ढाई बोले तुम्हें किए बोले मुझे साक्षात कली बोले तुम्हें कौन करुच बोले मुझे ये कली युगर धर्म कर्म किसी रही धर्म कर्म को मुझे संपूर्ण समाप्त करदेवी। परीक्षित महाराज कहले जपर्यंत मुझी आपण मानी संसार ये रही पारे मो देश छाड़ी चली जातु ना तुमको मुझे हत्या करी कही कहले मुझी कड़े संपूर्ण पृथ्वी पर होची आपणकर राजत्व तेणु मुझे जाए से देखुची तुम्हें धनुष धारण करीड़ाई जितने सत्य त्रेतया द्वापर आपण तीन युग को स्थान देले कली युग को मध्य स्थान देवाक हम। परीक्षित महाराज देखिले कली युगर गुण कण कली युगर गुण कण नुह तेणु से देखिले कली युगर यद्यपि कली युगर बहुत प्रकार अपगुण अच्छी कली युगर कल रुद्वस निधे राजन किंतु अस्ति एक महान गुण कली युगर मध्य विशेष गुण गोटे गुण अच्छी बोले कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त बद परम प्रजाति यदि जीव टिके महाप्रभु नाम ग्रहण करती नाम ग्रहण करले जीव कलीरु संपूर्ण मुक्त होकरी भगवान दिव्य धाम को से जापारे तेणु से बहुत चिंता कली कली युगर से स्थान देले किंतु से कली युगर से चारिटा जगह से स्थान दे यदि कली युगर आम खाली से चारिटी नियम पालन करी एटा हूँ पथी आ यदि भगवान नाम हूँ औषध ग्रहण करवा शीघ्र शीघ्र आम रोग भल हो आम भगवान धाम को जाकरी नित्य परम आनंद रही पार तेणु से चारिटी कौ कौ स्थान बोले दूतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा तो ये चारिटी वस्तु को अधर्म कहा जाए प्रथम नाम हूँ जुआ तेणु कहते जुआ खेल धर्मर प्रथम चरण हूँ सत्य क्योंकि जो मैंने जुआ खेलती से केवल सत्य कथा कही पारती नहीं सब बेले सी मिछ कथा कहे तेणु यदि जुआ खेल कौन हम प्रथम धर्मर प्रथम चरण सत्यटी नष्ट तेणु युधिष्ठिर महाराज हेल्ले साक्षात धर्मस्वरूप से निज जीवन से देखे देख मु साक्षात धर्मस्वरूप
किंतु ये जुआ खेल करी मते केते सर्वनाश है मोर राज्य गला मोर भाई गले एवं द्रौपदी कर वस्त्र हरण देखा है एवं आम मान को 12 वर्ष पर्यंत बने रहा है गोटे वर्ष आम अज्ञातवास करलु अर्थ होदि कहीं जुआ खेलती आपणकर एत सर्वनाश हो तेणु जुआ को त्याग देवा दरकार। द्वितीय जन्म बच्चे स्त्रीयम स्त्री को ऊपर हूँ कलिकर निवास मतलब कौ स्त्री को जी संसार करेंगे भल कथा बहुत तोला निज पत्नी सांगरे आपण संसार घर गृहस्थ करतु किंतु बिना बहुत होकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर बुलूंट शास्त्री या को केवल स्वीकार करूना एठ जे पापर द्वितीय स्थान हूँ पवित्रता एटी पवित्रता संपूर्ण नष्ट हो जाए। तृतीय स्थान हूँ दुतम पानम 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 अर्थ है कौन से निशा द्रव्य को सेवन करिवनी जब भाव में पान बीड़ी सिगरेट अफिम गंजा भांग मद यही जिनिषा को ग्रहण करिवनी। धर्मर तृतीय स्थान हूँ तप तपस्या किंतु केते बेले आमे तपस्या करिवु यदि आमर मुंडटा बुद्धि स्थिर थाए तबे कई तपस्या करिपारिबे महाप्रभुकर चिंतन करिपारिबे केतु बुद्धि जदि विकृत थाए आमे महाप्रभुकर स्मरण करिपारिबनु तेणु यदि कई ए निशा द्रव्य ग्रहण करंती से केबे हेले बुद्धि को निज स्थिर करिपारिबेनि तेणु जेमती मद साधु मान कहते मद खाइले तीनटा लाभ अछि बोले लाभ बोले हाँ बोले कौन तीनटा लाभ बोले प्रथम यदि मद कई खाइबे तांघर केवल चोरी हेन तृतीय लाभ से केवल बुढ़ा हेनि तृतीय लाभ बोले कुकुर तांकर बंधु हे बोले अर्थ कौन बोले प्रथम लाभ हूँ घरे चोरी हेनि बोले चोरी केते बेले हबो घरे थिले त किछ चोरी हबो आ जो माने मधु आसे तो समस्त पैसा रोजगार कर खाइबे घर गहना घाटी बिकी से गुड़ा खाइदेवे तो घर तो किसी ना चोरी कटि हम आ द्वितीय लाभ कौन से बेले बुढ़ा हेनि बोले बुढ़ा केते बेले हे से तो जीवित रही तो बुढ़ा हे से तो मद पी पीकर अध बयस मरीजे तेल बुढ़ा हे कि तृतीय लाभ हो कूकर बंधु हे अर्थ कौन कौन कौटी पीकर मद पीकर पड़ जाइए थे कूकर आसिक मुहर परिश्रा खड़ीजे तेणु यही जिनिष गुड़ाक भल जिनिष नुह तेणु यदि आम भगवान भक्ति करने चाहूँ जिते प्रकार निशा द्रव्य अच्छी समस्त निशा द्रव्य छाड़कर जीवन जमी गोटे निशा हो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेमर निशा हो एवं यही जगत निशा रात्रि खातु सका से निशा छाड़ जीव किंतु यदि कृष्ण भक्ति रस को पान करेंगे से निशा बढ़िया को आरंभ कर से केवल कमिवनी तेणु पापर चतुर्थ स्थान हूँ जीव हिंसा करें कौन हुए सेठ दयाटा नष्ट हो जाए क्या भले जी दया थाए से केवल माछ मांस खाएनी किंतु कौन सबुठ बेस पापटा कौन सबुठ बेस पाप हूँ ये जीव हिंसा अर्थ हूँ माछ मांस अंडा पियाज लसुण आदि ग्रहण करवा तेणु या ना हूँ मांस यटा हूँ संस्कृत शब्द मांस अर्थ कौन मांग माने मते स माने सीए माने एने आम जहाँ को खाऊ पर आमको खाइबे तेणु इंग्लीश रे देखो ना कौन बोले मीट मीट अर्थ कौन मी ईट बा ईट मी एने जहाँ को आम खाऊ पर आमको खाइबे तेणु ये जिनिष चारोटी वस्तु हूँ पापर स्थान यदि क्या भगवान भक्ति करने को हुए ताक चारिटा वस्तु वर्जित करी शुद्ध रूप से भगवान भक्ति करवा दरकार तबे ये भगवान कर नाम से शीघ्र 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 से तुमको फलप्रद हम जड़े व्यक्ति जो मानकर भजन सांगे कौन से संबंध नाई कि जो माने माला तिलक कंठी धारण करी भगवान भजन करती से थटा करे उपहास करे बोले कौन ये सब माला जप कर माला जपे शाला कर जपे भाई मन मन में जपे से बलि हारी जाई ये कहले कि साधु मैंने तार उत्तर दे बोले देख ये जड़े योद्धा युद्ध करने को जाए खाली हाथ से युद्ध करने को जाए अस्त्र शस्त्र संगरे से युद्ध करने को जाए तेब से ही सी परास्त कर पारे से भाव आम मैंने माया सांगे युद्ध करुचु तेणु माया को परास्त करने को कौन अस्त्र दरकार
अतएव माया को परास्त करिवा को अस्त्र कण कली युग अस्त्र होची गोस्वामी कहते कली युग के बलना म आधारा सुमेरे नर ओत रही पारा। चैतन्य महाप्रभु कौन कहले बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध या है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्वक्षण बोल इथे विधि ना यार। महाप्रभु निजे स्वयं कहते इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध मुझे यही भगवान कर नाम महामंत्र देली यही महामंत्र ताको निर्बंध नियम करके जप करिवे संख्या पूर्वक माला जप करिवे संख्या पूर्व कहीं जप करिवे संख्या रखिले आमर भक्ति उन्नत हेलो ना भक्ति आम पतन हो बुझा जाए तेणु आप देखु हरिनाम करिवे कि भली भाव आपण मैंने दर्शन करतु यही मालाटी माला अर्थ कौन माला अर्थ होची मा माने मन ला अर्थ होची जे मन को आकर्षण करी भगवान कर चरण जे लगे दिए तेणु या नाम होची मा ला तेणु माला जप करिवा द्वारा जेमिति उदाहरण देकर कहते जने पिला स्कूल रे पढ़ुंट किंतु सीए केते नंबर आनिले किंतु से परीक्षा देले तबे सेटा बुझा जाए सही भली भाव रे कली युग रे नियम होची कली युग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर उतरई पारा अर्थ होची कली युग रे नामटा होची मूल ए नाम द्वारा ही केवल भगवत प्राप्ति हुए तेणु ए माला करले परे आम मैंने आज केते माला करलु आमर भक्तिटा बढ़ला कि भक्तिटा कमिला ए माला द्वारा का बुझा जाए तेणु ये मालाटी किभली भाव में जप करेंगे आपण मैंने दर्शन करूँ मालार आकृति हूँ गोटे पटे बड़ गोटे पटे छोट हवा दरकार यहाँ सर्पाकृति होगा दरकार एवं कहीं सर्पाकृति होगा दरकार जो आपण मैंने आम मानक पाखक आसवे आम से जिनटा बुझेबू या भितर शहे आठटी कहीं शहे आठटी या भितर अच्छी ए तेणु ये मझीरे सुमेरु यहाँ कौन ए सुमेरु ये वस्तुटा आपण आम मानक पाखक आसे से बुझेबू जो आपण मैंने माला करेंगे यही आंगुलटा हूँ विष आंगुल तेणु यही आंगुलटा को आम स्पर्श करूनु यही मझी आंगुली उपरे आपण रखिकी गोटे ना हूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौरव भक्त वृंद कहीं कली युगरे भगवान पंच रूप से आसिकी चैतन्य महाप्रभु निजे कृष्ण नित्यानंद प्रभु श्री बलदेव प्रभु अद्वैत हेले सदाशिव गदाधर हेले राधाराणी श्रीवास हेले नारद कली युगरे पंच रूप से आसिकी महाप्रभु यही हरिनाम कीर्तन प्रचार करले तेणु नाम करिवा आगे थरे तांकर नामटा नेकरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौरव भक्त वृंद कहीकरी तापर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहीकि गोटे माला गड़ेबे तापर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करते शेष होइजीव सही समय नियम होची एटा को पार करती बोले कहीं हूँ राधा कृष्ण कर स्वरूप तेणु यहाँ डेबनी न डेकरी पुणी एपटे बुलेदेवे बुलेकरी पुणी छोट पटर थे करेंगे प्रथम बड़ पटर तापर छोट पटर तेणु यही भाव आपण मैंने नाम करेंगे नियम हूँ नामटा को सद्गुरु पाखु ग्रहण करवा दरकार प्रश्न हूँ आम गुरु ठार् कहीं नाम ग्रहण करूँ आम कौन निजे निजे माला करी आम नाम करूनु तो गुरु ठारू ये नाम कहीं ग्रहण करूँ तेणु आमर श्री जीव गोस्वामी गोटे सुंदर उदाहरण देकर कहले से गोटे उदाहरण देकर कहले जमीती एमती कि मंजी अच्छी जदि आपण डायरेक्ट वृक्षर नहीं पोतवे से गच्छ हेनी जदि से मंजीटी कौन सी पक्षी खाए पक्षी खायापर जिते से विसर्जन करे हैं तापर से गच्छ हुए जो भाई भाव बट वृक्ष अस्वस्थ वृक्ष आपण केवेहले देखनी यही वृक्षर तले अस्वस्थ वृक्ष तले अस्वस्थ गच्छ बा
ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବଟ ବୃକ୍ଷ କେବେଳେ ଦେଖିବନି, କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗଛ ଉପରେ ସେଇ ଗଛ, କେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ସେଇ ଗଛ ହେଇଥାଏ, ବୋଲେ କାହିଁକି ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀଟି ତାକୁ ଖାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବିଷ୍ଠା ରୂପରେ ବିସର୍ଜନ କରେ, ତା ପେଟରେ ଏମିତି କିଛି ରସ ଅଛି, ସେଇ ରସଟି ସେଇଟାକୁ ଗଛ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ଗଛ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟା ଯଦ୍ୟପି ସେ ଦିବ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆମେମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ନାମଟି ସେଇଟା ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଇଟା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମନ୍ତୁ ଗୁରୁଂ ପୂଜ୍ୟମ ତତଶ୍ଚୈବ ମମାର୍ଚ୍ଚନମ କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧିମାପ୍ନୋତି ଅନ୍ୟଥା ନିଷ୍ଫଳ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତାପରେ ମୋର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ମୋର କୃପା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୁହେଲରେ ଶାନ୍ତି ବେନି ମୁନି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଏବଂ ସାଣ୍ଡିଲ ଋଷି ତାଙ୍କର ହେଲେ ଗୁରୁ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ବଶିଷ୍ଠ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ମାଳା କାଠ ମାଳା କିଣିକିରି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ହରିନାମ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେ ଚାରିଟି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଚାରିଟି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ।